सब्सक्राइब कीजिए पिजन मस्ती चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पिजन मस्ती पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम अपने नए वाले कबूतर को उड़ाने वाले हैं, ठीक है, ये जो बैठी है दोस्तों। लेकिन उड़ाने से पहले आपको ध्यान देना है भाई, आप किस समय पे उड़ाओ, ठीक है दोस्तों। आप उड़ाते समय देखना मौसम ठंड, मतलब धूप निकली होनी चाहिए, मौसम गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर मौसम ठंडा होगा तो कबूतर अगर उड़ेगा तो ज़्यादा थोड़ा जोर मारते हैं। नया कबूतर ज़्यादा देर तक उड़ने के चक्कर में इधर उधर भी निकल सकता है, ठीक है। इसलिए इस बात का ध्यान रखा करो, जब नए कबूतर को पहले पहले स्टार्टिंग में उड़ाओ तो गर्मी हो, ठीक है, थोड़ा धूप हो। देख लो कितना धूप निकला हुआ है, ठीक है, देख रहे हो दोस्तों। इस समय पर हम लोग उड़ाएंगे, कुल टोटल 10 कबूतर उड़ेंगे हमारे। ये 3, ये हमारे 2 घर के पट्ठे, ये 6, 7, 8, 9, 10 कबूतर। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना, जो कबूतर ज़्यादा दूर उड़ने लंबा राउंड मारता उसको मत उड़ाना, ज़्यादा टाइम मारता उसको भी मत उड़ाना, ठीक है दोस्तों। हम लोग अभी कुछ कबूतर अंदर रखे, इतने को उड़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। उड़ाने से पहले कुछ देर छत पे बैठने दिया करो, जब थोड़ा कबूतर छत उत पे बैठ ले उसके बाद उड़ाओ, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ी देर के बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए वीडियो स्टॉप करते हैं, ठीक है दोस्तों। 5 मिनट के बाद अब उड़ाते हैं कबूतरों को, ठीक है। ये देखो सब उड़ गए, ये आके बैठ रही है, ठीक है। ये देखो वो अलग चली गई, अभी झुंड में आ गई, ठीक है। ये देखो इसके अंदर ही उड़ रही है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों आपको भी उड़ाना है अपने कबूतर, जब नए कबूतर को उड़ाया करो तो उसके अंदर अपने पुराने छोड़ दिया करो, ठीक है। देखो अभी भी झुंड में उड़ रही है, एक हमारी ये पुरानी कबूतरी है जो नीचे नीचे घूम रही है, ठीक है, इसको आना है, ठीक है। ये देखो ये आके बैठ गई दोस्तों। अगर आके कबूतर बैठ जाते हैं तो कोई बात नहीं, बैठने दो, ठीक है, क्योंकि अभी अपने को कबूतर नया है, ठीक है, ज़्यादा नहीं उड़ाना है, जितना चक्कर मारे उतना ही उड़ाना है, ठीक है। और एक दो कबूतर अगर बैठे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, कबूतर तो हैं लेकिन अंदर रखे हैं, क्योंकि वो अगर उड़ जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं, वो ज़्यादा दूर जाएंगे, ठीक है, वो तो कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन नया कबूतर जा सकता है। ये देखो ये अभी एक आ रहा है, दोस्तों अगर कोई कबूतर आ जाए ना तो कोई बात नहीं, आने देना, क्योंकि आप सोचोगे कि ये भी उनके साथ में उड़े, फिर एक दो कबूतर अगर छत पे बैठा रहेगा ना तो अच्छा रहता है, ठीक है। और देखो वो तो झुंड के साथ में ही उड़ रही है। और दोस्तों जब नया कबूतर उड़ाओ आप तो ज़्यादा मत उड़ाओ, धीमे धीमे उनकी टाइम बढ़ाई जाती है। आप एक ही बार सोचोगे कि 2 घंटा 3 घंटा उड़ाऊँ तो भाई वो कबूतर निकलने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, ठीक है। देख लो कबूतरी अभी इसके अंदर ही उड़ रही है, दोस्तों इसी तरीके से आपको करना है। और उड़ाते समय, उड़ाने से पहले इनको दाना और पानी ज़्यादा मत दो, ठीक है, पानी बिल्कुल ही मत दो। क्या है अगर कबूतर को उड़ाने से पहले पानी दे दिया जाता है, ठीक है, लेकिन अपने पुराने कबूतरों को, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम उड़े इसके वजह से पानी दिया जाता है। लेकिन जब अगर नया कबूतर सेट करो ना तो कभी भी उनको पानी मत दो उड़ाने से पहले, अगर पानी पी लेगा तो उसका शरीर ठंडा हो जाएगा और वो और ज़्यादा टाइमिंग मारेगा, ठीक है। नए कबूतर को कभी भी उड़ाना है तो कोशिश करना है कम से कम समय में वो नीचे उतर जाए, ठीक है। देख लो दोस्तों अभी तो झुंड से अलग नहीं हो रही है, अपने टुकड़ी में ही चल रही है, ठीक है। जो दोस्तों कबूतर अंदर है वो अभी देख रहे हैं, ठीक है, चलो इन्हें भी खोल देते हैं, इन्हें भी जिसको निकलना होगा निकल जाएगा।
दोस्तों बताना कबूतर कैसे उड़ रहे हैं और वो जो नई वाली कबूतरी हमने पकड़ा था वो भी कैसी उड़ रही है। ठीक है भाई, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के इनको उड़ते हुए। ये देखो दोस्तों, ये अंदर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैं इनको शाम और सुबह में खोलता हूँ, लेकिन आज नई कबूतरी को वो करना था इसीलिए दोपहर में वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए देखो मैं गेट खोला, वो जो दो उड़ के आए थे वो अंदर चले गए। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जितने भी आएंगे ना सब अपने आप अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये होती है एक आदत। ठीक है, जो आप बोलते हो कि तो भाई क्या करें कि हमारे कबूतर भी टाइम से अंदर चले जाएं, तो दोस्तों अगर आप एक समय पे, ये सब चीज एक दो दिन में नहीं होता, आपको रेगुलर करना पड़ेगा। ठीक है, अब सुबह शाम खोलते हो तो सुबह शाम ही खोलो। अब कुछ भाई होंगे कि अगर एक आध कबूतर देख लेंगे तो भाई कभी भी खोल देते हो, भाई ऐसा मत किया करो। ठीक है, अपने ही कबूतर में वो रहो। हाँ, अगर शाम सुबह को खोल रहे हो कोई कबूतर आ गया तो ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपका समय शाम और सुबह को है और आप कबूतर देख के कभी भी खोल दे रहे हो, तो ऐसा मत किया करो। ये देखो, देखना दोस्तों वो जो नई वाली कबूतरी है वो अभी उड़ रही है। ठीक है, देखते हैं, उसको तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ तो भी देखते हैं, शायद पुराने वाले कबूतर अंदर जाएंगे तो ये भी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, इन लोगों को हमने सुबह में दाना दिया था और पानी तो उसमें हमेशा रहता है, दाना भी डाल देते हैं क्योंकि कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनके माँ बाप को जब मन करे तब खिला पिला दे, भाई गर्मी भी पड़ रही है। ठीक है, इसी तरीके से करना है दोस्तों। ये कबूतरी इसलिए नहीं हो रही है इधर उधर क्योंकि ये जो ये हमारा दीवाल है इसके ऊपर दो तीन दिन बैठी हुई है, पूरा इलाका देखी है, उसको पता है कि मेरा घर कौन सा है। ठीक है, भले वो पास से कबूतरी आई है लेकिन उसको हमने 10 दिन पर बांध के रखा था तो ये छत पे पूरा घुल मिल गई, अब कबूतरों को पहचान ली। उसके बाद दो तीन दिन इस पे बैठ के इलाका तो उसका घर इधर ही है तो उसको तो पता है इधर का सब कुछ, लेकिन इस पे जो जहाँ उसको बैठना होता है ना कबूतरों को, अगर उस पे बैठा के रखोगे तो उनको आदत सी लग जाती है कि अब हमें यहीं बैठना है। ठीक है, तो देखो जब नीचे भी आएंगे ना तो इसी दीवार पे बैठेंगे, एक भी कबूतर जो है ना इधर से उधर नहीं बैठेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको करना है, देख लो उड़ते हुए। ये देखो भाई, चील भी उड़ रहे हैं, कबूतर हाइट पे चले गए हैं। ठीक है, देख लो दोस्तों अभी भी उड़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग दोस्तों गेट भी खुला रखे हैं लेकिन कोई कबूतर बाहर नहीं आ रहा है। देखो ये दोस्तों जो कबूतर आपको सामने दिख रहा है, ये आज मतलब कल शाम को उड़ा था 4 बजे के लगभग में, और ये उड़ता ही रह गया, ये और इसकी फीमेल। ठीक है, ये लोग पूरा रात आए ही नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था तो हमें दिख रहे थे, काफी ऊपर थे कबूतर, रात में भी नहीं आए। अब क्या पता रात में कहीं बैठे थे कि नहीं, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। जब सुबह में हल्का उजाला हुआ तो कबूतर आके अपने छत पे बैठा। ठीक है, मतलब दोस्तों ये रात बाहर ही बिता के आया है। दोस्तों ये कबूतरों का यही है, अभी इतना उड़ने के बावजूद भी अगर मैं इनको उड़ा दूं ना तो ये काफी टाइम मारेंगे, समझ लो मतलब ये लोग 7-8 घंटा तो इनके लिए उड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको हमने नहीं उड़ाया। आपके पास भी अगर ऐसा कबूतर हो तो मत उड़ाना। इसके अंदर दोस्तों जो उड़ रहे हैं इसके अंदर भी 4-5 घंटा 6 घंटा उड़ने वाले कबूतर उड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग कैसा है कि जो टुकड़ी उड़ रही है, अगर टुकड़ी उड़ रही है तो उनके साथ उड़ेंगे, उनके साथ आ जाएंगे, अब वो कितना भी समय मारे। और ये लोग कैसे हैं दोस्तों कि जब तक टुकड़ी उड़ रही है तब तक इनके साथ उड़ना है, और जैसे ही ये नीचे आना शुरू करें तो ये लोग और ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे कबूतर को बिल्कुल मत उड़ाना। देख लो हमारा इतने ऊपर से कैमरे में नहीं आ रहा होगा, जो दोस्तों हमारा एक घर का पट्टा निकला था वो अभी पलटी मारता है। ठीक है, ये देखो दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया था। ठीक है, ये लोग अब धीमे धीमे नीचे आने शुरू कर रहे हैं। ये देखो
ये वाली दोस्तों जो पीछे व्हाइट कलर की चल रही है वही नई वाली कबूतरी है, ठीक है। ये कुछ टाइम लेंगे, देखो दोस्तों ये बाहर निकल के आई, ठीक है। ये अभी हमारे घर की पट्टी है, लेकिन अभी इसको बराबर उड़ना नहीं आया इसलिए नहीं उड़ाते इसको। गिर मतलब कुछ पट्टे होते हैं जो बहुत जल्दी उड़ना सीख जाते हैं और कुछ थोड़ा लेट। तो हमारे दो कबूतर जो घर के थे वो भी उड़ रहे हैं, लेकिन अभी इसको नहीं उड़ाते, ये अभी प्रॉपर तरीके से नहीं उड़ पाती है। और दोस्तों हमारे कुछ भाई अभी पूछ रहे थे कि भाई अपने कबूतरों की टुकड़ी कैसे बनाएं, ठीक है। दोस्तों टुकड़ी बनाने के लिए मतलब उन्हें कुछ पढ़ाना नहीं पड़ता कि भाई, ठीक है, टुकड़ी ये खुद बना लेते हैं। आप सबसे पहले आपके कबूतर एक दूसरे को पहचानना चाहिए, आसमान में उड़े तो उसे पता रहना चाहिए कि ये हमारे ही साथी हैं, तो अगर इधर उधर भी होंगे तो वो आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों दूसरी चीज कि कुछ कबूतरों की आदत होती है कि आसमान में जाते मान इधर उधर होके उड़ने की, ठीक है। तो और कुछ की आदत होती है कि साथ में टुकड़ी बना के उड़ने की। तो पहले आप जो टुकड़ी बना के उड़ते हैं कबूतर उनको उड़ाओ, ठीक है, उन्हें कुछ दिन उड़ाओ, एक हफ्ता उड़ाओ कि वो अच्छे से सेट हो जाए, वो उड़े तो साथ में उड़े। और जो इधर उधर जाके उड़ता है उसको एक एक दो दो करके अपने टुकड़ी के अंदर डाल दो। जैसे आपकी मान लो आपके पास 10 कबूतर है जिसमें से 4-5 कबूतर ऐसे हैं जो साथ में उड़ते हैं और सब इधर उधर हो जाते हैं, तो जो 4-5 उड़ते हैं साथ में उन्हें पहले आप उड़ाया करो, भले 4 ही 5 लेकिन उन्हें पहले उड़ा दिया करो। वो लोग की आदत हो जाएगी ना जब साथ में चलने की, तो उसके अंदर जो इधर उधर जाने वाले कबूतर है उनमें से एक कबूतर वो कर दो, दो मत डालना। अगर दो डालोगे तो एक उधर जाएगा तो उसका देख के और एक जाएंगे, एक बस डाल देना। अगर वो इधर उधर एक दिन होगा भी तो उसको पता चल जाएगा कि भाई मेरे साथ ही इधर चल रहे हैं और कोई इधर उधर नहीं हो रहा है, तो मेरे को भी इन्हीं के साथ चलना है। वो अभी उसको भी 2-3 दिन करना, फिर ऐसे एक एक करके अगर कबूतर डालोगे ना तो आपकी भी टुकड़ी सेट हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों कोई मुश्किल बात नहीं है, ये लोग खुद अपने आप टुकड़ी बना लेते हैं और इसके लिए ना ही कुछ भाई देने की जरूरत है, देख लो। अब दोस्तों आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि जो कबूतरी अभी मैंने आपको दिखाया नई वाली जिसका हमने उस दिन पर खोला था आज उड़ाया था, अब भाई वो खुद टुकड़ी बना के उड़ रही है हमारे कबूतरों के साथ, बोलो। और दोस्तों ये अगर आपके पास गोले रहेंगे तो भाई गोले ज्यादा कर टुकड़ी में ही उड़ते हैं, हाई फ्लायर होते हैं जो भाई इधर उधर जाने लगते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला कबूतर जो हमारा घर का पट्टा है वो पलटी भी बीच बीच में मार रहा है, ठीक है, देखना ये जो बीच में ब्लैक कलर का है ना ये कबूतर। ठीक है दोस्तों कबूतर को अभी आने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक वीडियो स्टॉप कर देता हूँ, नहीं तो धीमे धीमे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होती जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों अभी भी कबूतर ऊपर है, ठीक है। दोस्तों काफ़ी समय हो गया है, 30 मिनट के करीब हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, कबूतर क्योंकि जो नई वाली कबूतरी भी वो साथ में ही उड़ रही है, एक भी बार अलग नहीं हुई, दूर नहीं गई, अपने छत के ऊपर ही उड़ रहे हैं, ठीक है। देखो दोस्तों आपको भी कभी भी अगर कबूतर उड़ाओ तो ऐसे ही करना है, अगर आपके पुराने कबूतर है तो भाई आप कैसे भी उड़ा सकते हो। और दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना भाई कितने लोगों के कबूतर आसमान में काफी टाइम तक उड़ते हैं और कितने के नहीं उड़ते हैं, ठीक है।
और दोस्तों जिसके जिसके कबूतर नहीं उड़ते भाई वो खास कमेंट करना, वो भी बता दूंगा कैसे कबूतरों को उड़ाया जाता है, कि अगर आपके कबूतर नहीं उड़ते तो कैसे उड़ेंगे। ठीक है भाई, आप लोग कमेंट करना, और अगर आपको कोई और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भाई वो भी कमेंट्स करके बता देना, उस पर भी वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों देखो धूप, गर्मी पड़ रही है, धूप है, ठीक है, और ये समय भी नहीं है कबूतर खोलने का, लेकिन वो नए जो कबूतरी आई है उसको एक दो दिन ऐसे ही उड़ाना पड़ेगा, कि वो ज़्यादा समय ना, क्योंकि अब धूप में इतना उड़ रही है, गर्मी के समय पे इतना उड़ रही है, तो अगर हम इसको सुबह में या फिर शाम को जब मौसम ठंडा हो जाएगा तब सोचो थोड़ा बहुत तो टाइम और वो करेंगे, ठीक है, और मान लो शाम को ज़्यादा ऊपर चले गए, इधर उधर निकल गए, तो फिर आने में प्रॉब्लम भी हो जाएगी। इसीलिए नए कबूतर को भाई मैं तो बोलूँ दोपहर में उड़ाना चाहिए, जब पूरी गर्मी हो, कबूतर ज़्यादा उड़े ना, ठीक है। भाई लग रहा है कैमरे में नहीं आ रहा है, नीचे आ रहे हैं भाई, ब्लर हो जाता है। ये देखो, ये देख रहे हो अब एक एक करके कैसे आ रहे हैं धीमे धीमे। और दो दोस्तों हमारे, एक घर का पट्ठा है और एक है जो अभी भी और ऊंचाई ये लोग पकड़ रहे हैं। ये देखो, ये रही काले वाले कबूतर के ऊपर, यही कबूतरी है, ठीक है। दोस्तों ये सब तो साथ में उतर रहे हैं, लेकिन हमारे जो दो कबूतर हैं वो काफ़ी आसमान में घुस गए हैं, ठीक है। अब लग रहा भाई वो लोग शाम को ही आएंगे, क्योंकि अब तो धीमे धीमे नज़र आना भी बंद हो चुके हैं, ठीक है। दो पहले ही नीचे आ गए थे और सब झुंड में उड़ रहे हैं, और छः कबूतर दोस्तों फिलहाल में इधर उड़ रहे हैं, 2, 4, 5, 6 कबूतर, और दो कबूतर काफ़ी हाइट पे हो गए, हमें भी कभी कभी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, वो हो गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो पुराने कबूतर हैं, लेकिन उसके अंदर एक हमारा घर का पट्ठा है, वो अभी दोस्तों बहुत उड़ता है, उसी के जो पेरेंट्स थे, ठीक है, जो माँ बाप थे उसके, वही रात रह गए थे, ठीक है। दोस्तों उसके माँ बाप भी बहुत उड़ते हैं और बच्चा भी बहुत अच्छा निकला हुआ है, बहुत उड़ता है, ठीक है। देख लो ये लोग भी नीचे आ गए थे, लेकिन फिर से दोबारा ऊपर चले गए, ठीक है। कोई बात नहीं दोस्तों, इसी तरीके से करना है, जब कबूतर नीचे आएंगे तब हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए वीडियो स्टॉप करते हैं। ये देखो दोस्तों, शायद कैमरे में आपको दिख रहा होगा, ये हमारे कबूतर नीचे आ गए हैं, ठीक है। और वो जो दो कबूतर हैं भाई, वो तो पहले भी थोड़ा थोड़ा दिख भी रहे थे, अभी बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये आई, ये दो, ठीक है, ये दो कबूतर, और दोस्तों ये नई वाली कबूतरी, ठीक है, जिसको हमने उड़ाया था। देखो ये आए अभी, बैठे कुछ देर नहीं हुई, अंदर चला गया, ठीक है। दोस्तों ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है, अभी इनको लेकिन बाहर ही रहना चाहिए था, क्योंकि हमारा एक जो पट्ठा है वो अभी आसमान में पता नहीं चल रहा भाई, एक कबूतरी के साथ उड़ाए, काफ़ी हाइट पर चले गए हैं, ठीक है। और एक पट्ठा हमने दो उड़ाया था, जिसमें से एक आ गए, और नई वाली कबूतरी भी अभी ये झुंड में उड़ रही है, ठीक है। दोस्तों थोड़ा आवाज मारते हैं, कबूतर आवाज को पहचाने, वैसे तो उतरने ही वाले हैं। आओ 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 आओ, ले ये देखो, इतना नीचे आ गए हैं उसके बावजूद भी, ये देखो दोस्तों, ये आ गई, यही कबूतरी को उड़ाया था हमने, और ये हमारा जो घर का पट्ठा है, ठीक है। ये देखो सब आ गए हैं दोस्तों, दो कबूतर का कोई पता नहीं आसमान में कहाँ उड़ रहे, हमारे छत के ऊपर ही उड़ रहे होंगे, लेकिन काफ़ी, ये देखो
ये जो नई वाली कबूतरी थी वो अभी अंदर चली गई। ठीक है दोस्तों, ये हैबिट बनाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग दरवाज़ा बंद नहीं करेंगे भाई, वो भी अभी छोटा बच्चा, वैसे तो उसको उड़ते हुए कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन तो भी कबूतरों को आज धूप लगने दो। ठीक है, जिसको अंदर जाना है अंदर। और दोस्तों ये देखो, आपको बता दूं, जब कबूतर उड़ के आए तो ऐसे करते हैं, देख लो कबूतरी को हाँफ रही है, तो तुरंत पानी मत रखो। ठीक है, देखो हमने इनको उड़ाने से पहले भी आज पानी नहीं दिया कि थोड़ा कम उड़े, लेकिन तो भी इन लोग ने आज अच्छा खासा टाइम मारा। पानी दोस्तों हमने छत पे नहीं रखा है, अंदर है, जिसको ज़्यादा प्यास लगी होगी भाई जाके पी लें। पानी हम लोग 10-15 मिनट बाद रखा करो। ठीक है, जब ये कबूतर शांत हो जाए, ठंडा पड़ जाए, उसके बाद। ये देखो हमारा बेबी पिजन, ये अभी नीचे अंदर जाने के लिए। दोस्तों ये चीज़ होना चाहिए, आपको अंदर इन लोगों को घुसाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, अगर आप अपने टाइम पे कबूतर खोलोगे और बंद करोगे तो। ठीक है, कबूतर आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वो कबूतर, वैसे तो अभी जो कबूतर ऊपर चला जाता है दोस्तों, काफ़ी समय मारता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको कर देना है वीडियो को लाइक, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो भाई वीडियो को डिसलाइक मार दो। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। और दोस्तों अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ भाई कमेंट्स करके बताओ हमें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से कोई और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।